आतंकियों के टारगेट पर था पीएम मोदी का बिहार दौरा। पटना में रची जा रही थी देश दहलाने की खतरनाक साजिश। इस्लामिक देश बनाना चाहता है वो, तबाही मचाना चाहता है वो। बिहार तक फैला पीएफआई का तार, दो आतंकी हुए गिरफ्तार। खतरनाक मंसूबे, डेंजर साजिश। आतंकियों के टारगेट पर था पीएम मोदी का बिहार दौरा। आतंक की बड़ी साजिश का बिहार पुलिस ने खुलासा किया है। पटना में एक संदिग्ध आतंकी मॉडल का भंडाफोड़ हुआ है। पटना पुलिस ने दो ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो भारत को इस्लामिक देश बनाने की साजिश रच रहे थे। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए दो आतंकियों में से एक झारखंड पुलिस का रिटायर दरोगा है और दूसरा पटना के गांधी मैदान में हुए बम धमाके का आरोपी मंजर का भाई है। पकड़े गए दोनों आतंकी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग की आड़ में आतंक की ट्रेनिंग दे रहे थे। पटना पुलिस ने दावा किया है कि इनके पास से जो दस्तावेज मिले हैं उससे पता चलता है कि साल 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की ये तैयारी कर रहे थे। पकड़े गए आतंकियों की पहचान झारखंड पुलिस के रिटायर दरोगा मोहम्मद जलाउद्दीन और दूसरा अतहर परवेज के रूप में हुई है। दोनों का संबंध पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से है। इन आतंकियों के निशाने पर पीएम मोदी का बिहार दौरा भी था, लेकिन आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश कर एक बड़ी साजिश को पटना पुलिस ने नाकाम कर दिया है। इन आतंकियों की गिरफ्तारी पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में हुई है। पकड़े गए आतंकी मोहम्मद जलाउद्दीन और अतहर परवेज दोनों आतंकी सीमी से सीधे संबंध में थे। ये दोनों पीएफआई और एसडीपीआई की बैठकों में सक्रिय सदस्य के तौर पर भाग लेते रहे हैं। पिछले दो सालों से ये पीएफआई और एसडीपीआई के नाम पर बहुत सारे लोगों को ट्रेंड कर रहे थे, बाहर के जो चरमपंथी एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ आश्रय दे रहे थे, उनको ये कम्युनिकेट कर रहे थे। और 6 और 7 जुलाई को यहाँ पर मार्शल आर्ट के नाम पर स्थानीय लोगों को बिहार के चरमपंथी तत्वों द्वारा तलवार चाकू चलाने, दूसरे संप्रदाय के प्रति उन्मादित करने, सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने का प्रयास किया गया था। और इसका हमें सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध है। जो पूरा सत्यापन हुआ उस सत्यापन के आधार पर हम लोग ने इस्टेब्लिश किया कि अतहर परवेज जो उस घर के मालिक हैं, जो उन सारे मीटिंग्स में सम्मिलित रहे हैं, सारी मीटिंग्स जहाँ होती वो कुर्सी पर वहीं बैठे रहते हैं, वो पूरी चीज़ों में शामिल रहे हैं, उन्होंने एग्रीमेंट किया है। इन दोनों आतंकियों के पास से इंडिया विजन 2047 शीर्षक नाम से एक 8 पेज का दस्तावेज मिला है, जिसमें लिखा है कि पीएफआई को विश्वास है कि अगर कुल मुस्लिम आबादी का 10% इसके पीछे काम करता है तो पीएफआई कायर बहुसंख्यक समुदाय को बस में कर लेगा और गौरव वापस लाएगा। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इज कॉन्फिडेंट दैट इवन इफ 10% ऑफ द टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन रैली बिहाइंड इट, अगर पूरी मुस्लिम जनसंख्या का 10% भी पीएफआई के साथ आ जाता है, पीएफआई वुड सब्जुगेट द कावर्ड मेजॉरिटी कम्युनिटी। उसके बाद पीएफआई जो बहुसंख्यक कमजोर और डरपोक समुदाय है उसको उनके घुटने पर लाएगी एंड ब्रिंग बैक द ग्लोरी और इनको इस्लाम में दाखिल कराएगी।
वहीं पुलिस ने गिरफ्तार दोनों आतंकियों के पास से पोस्टर और बैनर, पीएफआई के कई दस्तावेज और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इस मामले में कई अन्य की गिरफ्तारी किया जाना अभी बाकी है, जिसको लेकर पुलिस जांच के अनुसार सभी आयामों पर काम कर रही है। अभी उस मामले में हम आपको बता दें कि पटना के शहरी इलाके में फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में कांड दर्ज किया गया। उस कांड के अंतर्गत गंभीर धाराओं में हम लोगों ने कांड दर्ज किया, दो व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, उनसे गहन पूछताछ की जा रही है और पुलिस की अलग अलग टीम भी उनसे पूछताछ कर रही है। उनके पास में पोस्टर, बैनर, दस्तावेज, पीएफआई के डॉक्यूमेंट्स, मोबाइल फोन इत्यादि बहुत सामग्री बरामद हुई है, उनका भी अध्ययन किया जा रहा है। क्योंकि कांड दर्ज हो गया है, वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है, गिरफ्तारी हो गई है, तो अब पूछताछ में आगे बहुत सारी बातें आएंगी और बाकी लोगों की भी गिरफ्तारी संभव होगी। साक्ष्य के आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। जिन जिन डायमेंशंस पर हम लोगों को सूत्र मिलता जाएगा, उन डायमेंशंस पर हम लोग आगे इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे। बिहार सरकार भी आतंकियों के गिरफ्तारी के बाद एक्शन मोड में है। राज्य के मंत्री जीवेश मिश्रा ने गिरफ्तार आतंकियों के बारे में कहा है, कोई कुछ भी हो बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, अब ये जो बड़ा सेंसिटिव मामला है, इसको पब्लिक फोरम में इस पर किसी भी बात को रखने से भी परहेज करना चाहिए। उनके पास क्या क्या मिला है, एनआईए की टीम, अब पूरी टीम उसकी जांच करेगी और जांच में अगर रत्ती भर भी कहीं कोई दोषी होंगे तो उन पर पूरी ठोस कार्रवाई होगी। पटना में हुई ये कार्रवाई इंटेलिजेंस ब्यूरो से मिली सूचना के आधार पर की गई है, जिसमें जानकारी सामने आई थी कि पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में संभावित आतंकी मॉड्यूल सक्रिय है, जिसके बाद पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने 11 जुलाई को नया टोला इलाके में छापेमारी कर इन आतंकियों को गिरफ्तार किया। विकास कुमार, न्यूज़ लाइव, पटना।